हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। यू आर वॉचिंग स्टाइल विद शिवी। और ये जो खूबसूरत बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल लुक आप देख रही हैं, ये है माई न्यू राजस्थानी इंस्पायर्ड लुक। आई होप मैंने ये सक्सेसफुली अचीव किया है और आपको मेरा ये लुक देखकर राजस्थानी फील आ रही होगी। लेकिन इससे पहले चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल और आपको बताती हूँ कि कैसे किया मैंने ये लुक कम्प्लीट। सबसे पहले मैं यहाँ पर आईब्रोज अपनी कंप्लीट कर रही हूँ अपने आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन कलर लेके, और उसके बाद मैं अपनी डार्क एरिया पर कंसीलर लगाऊंगी। आज जो कंसीलर मैं लगा रही हूँ वो मैंने मीशो से परचेज़ किया है और ये क्रीम बेस्ड कंसीलर है, इजी टू ब्लेंड है, और उसका थोड़ा सा ब्राइटर शेड लेके मैं अपनी आईब्रो को फिनिश करने के लिए भी यूज़ करूँगी और फिर उसे अपने मेकअप स्पॉन्ज की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। अब बारी आती है आई शेडो की। इसके लिए मैं अपने आई शेडो पैलेट से डार्क वाइब्रेंट पिंक कलर को थोड़ा सा ऑरेंज के साथ मिक्स करके अपनी क्रीज लाइन पर एड ऑन कर रही हूँ और उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद हम आउटर कॉर्नर्स में थोड़ा पर्पलिश कलर डालेंगे। जिस लुक से मैंने ये इंस्पायर्ड किया है उसमें इसी कलर का इस्तेमाल था। एग्जैक्टली मेरे पास पर्पल डार्क नहीं था तो इसलिए मैंने डार्क ब्लू और लाइट पर्पल को मिक्स करके कुछ इस तरीके का शेड डेवलप किया है और उसे अपने आउटर वी कॉर्नर्स में फिल किया है। लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है हाफ पोर्शन में ही फिल करना है, क्योंकि बाकी के आउटर हाफ में हम यहाँ पर सी ब्लू कलर फिल करने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो यू कैन सी ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिड पर लग चुके हैं हमारे सारे शेड्स। अब बारी आती है थोड़ा सा ट्विस्ट की, और यहाँ पर मैं मैक का ये खूबसूरत शेडो पैलेट लूँगी इन द ब्रॉन्ज शेड और उसे अपने मिडल पोर्शन में अपने फिंगर टिप की मदद से ब्लेंड करूँगी और बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर स्मोकी इफेक्ट हमें मिलेगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली डार्क कलर्स विजिबल करवाना चाहते हैं तो, बट मुझे इस तरीके से करना ही अच्छा लगा तो मैंने अपने मिडल पोर्शन में ब्राइटर गोल्डन लेकर के उसे फिल अप कर लिया है और अच्छे से स्मर्ज कर लिया है। सो गाइस, स्मर्जिंग के बाद बारी आती है फिनिशिंग की, जिसके लिए मैं कंसीलर को ब्रश की मदद से लेकर इस तरीके से आपको ये वाइप आउट करना है जैसे आपको एकदम क्रीज बनानी हो। और आप देखेंगे जो भी आपको डिज़ायर लाइन चाहिए, जितने भी पीक पर चाहिए, आप इससे इजीली फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेप लगाकर भी अपना आई शेडो कम्प्लीट कर सकते हैं और उसे हटाने के बाद आपको कुछ ऐसा ही फिनिश मिलेगा। इट डिपेंड्स टू यू आप कैसे जाएंगे अपने आई मेकअप के लिए। अब बारी आती है काजल और लाइनर की, तो यहाँ पर मैं लाइनर को इस बार बहुत ज़्यादा बोल्ड रखने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा मन था कि जो लाइनर होना चाहिए वो डबल विंग और बहुत ही ब्रॉड हो। इसके लिए मैं अपने आई लाइनर को धीरे धीरे बिल्डअप करूँगी और आउटर पोर्शन से जो हमारा विंग है उसे मोटा करूँगी और फिर अपनी पतली क्रीज में उसे मिक्स कर दूँगी ताकि आई शेडो देखने में बहुत ही ज़्यादा पॉप आउट लगे और हमेशा जो हमारा डार्क मेकअप होता है उसमें आईलाइनर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो जितना परफेक्ट, जितना डार्क बिगर बोल्ड लाइनर होगा उतना आपका मेकअप और भी ज़्यादा ग्लैमरस लगेगा। सो लोअर क्रीज में हम अपर वाला डार्क ऑरेंज शेड डालेंगे थोड़ा सा मिक्सअप करने के लिए, और उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर और वाटर लाइन पर एड ऑन करूँगी अपना वाइट लाइनर। आप चाहें तो इसकी जगह ब्लैक भी लगा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स टू यू, बट मुझे अपनी आई में थोड़ा बिगर लुक देना था तो इसलिए मैं यहाँ वाटर लाइन पर अपनी वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है हमारे लिप्स की। इसके लिए मैं मेबेलिन बेबी लिप्स यूज़ कर रही हूँ इन द शेड रेड और ये बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और अब इसके बाद हम लगाएंगे अपना खूबसूरत कलर डीवा का ये लिक्विड फाउंडेशन। इजी टू ब्लेंड है, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है, बिल्कुल भी पैची नहीं है, और इसको मैं अच्छा कवरेज देने के लिए विद द हेल्प ऑफ ब्रश आज ब्लेंड करूँगी। और मैं यहाँ पर मेकअप स्पॉन्ज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कवरेज थोड़ी सी डार्क चाहिए और इससे
अप्लाई करने से कवरेज हमारी काफ़ी हद तक अच्छी आती है। एज़ यू कैन सी, अब यहाँ पर मेकअप जो बेस है वो फिनिश हो चुका है, इसको सेट कर लिया है मैंने पाउडर से, लूज पाउडर से। उसके बाद बारी आती है कॉन्ट्रोरिंग की, जिसके लिए मैंने क्रीम बेस्ड कॉन्ट्रोर लिया है और काफ़ी अच्छे से अपनी नोज और अपने चीक बोन को कॉन्ट्रोर करूँगी। ये स्टेप भी गाइस आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत अच्छे आते हैं मेकअप करने के बाद, या फिर आपकी जो बोन्स हैं वो पॉप आउट हैं, तो आप इसको डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर मेकअप में कॉन्ट्रोल करें। अगर आपके चीक में वो बोन ईजिली विजिबल है और आप उस तरीके का लुक चाहते हैं, 3D लुक, तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत ही पीच कलर का ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं पाउडर हाइलाइटर यूज़ करूँगी फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी, और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा ये हमारे ओवरऑल मेकअप को। और आप देखेंगे फिनिश लुक में आपको थोड़ी सी गोल्डन और थोड़ी सी पिंकिश टिंट दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ मैंने मिक्स करके यूज़ किया है। Alright, so my eye look is almost complete. Now I will move towards my lips, and for today my lipstick I'm using Lakme 925 shade nude, और ये बहुत ही beautiful coverage देता है, बहुत ही प्यारा शेड है, personally मेरा favorite है, and this is my complete look. वेल, ये पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी राजपूत लुक की, जो आप कह सकते हैं राजस्थानी लुक या राजपूता लुक जो होता है, और उसने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने सोचा कि डेफ़िनेटली मैं अपने आप को ये लुक ट्राई तो ज़रूर दूंगी, और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, डू मेंशन मी इन कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टाइल विद शिवी।